चटाल में कॉमर्स थी आपके पास और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, सीए करूं या बीबीए करूं या फिर एमबीए करूं। गाइस, इतने सारे कोर्सेज और इतनी कंफ्यूजन, सो आपका भी हाल यही। सो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एवरीवन, कॉलेज देखो इज बैक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कोर्सेज के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई भी क्वेरी हो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो, विच इज www.collegedeco.com। एक इंपॉर्टेंट न्यूज, कॉलेज देखो आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री काउंसलिंग। सो चांस नहीं जाने देना है, चांस को ग्रैब करना है। सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है आपके सामने, अब सवाल आगे क्या। सो इसी का जवाब देते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस सुनकर जाओ, हर कोई कॉमर्स स्टूडेंट टैक्स या अकाउंटिंग नहीं करता है, तो करियर को चूज करते हुए अपनी नीश को पहचानो, क्या कोर्स करना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसका फी क्राइटेरिया है, इन सभी डिसीजंस को लो अपने सीनियर से डिस्कस करो। और एक सबसे बड़ा सवाल, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सो तभी किसी डिसीजन पर आना है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। ये कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स कोर्स, जो कि आपको डिफरेंट डोमेन्स में भी प्रोवाइड होता है। ये कोर्स आपको मल्टीपल कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। बीकॉम ऑनर्स कोर्स की एलिजिबिलिटी है ओनली 50% मार्क्स इन 12th, एंड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना होगा जो कि है CUET एग्जाम। अब एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, बीकॉम ऑनर्स कोर्स आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में प्रोवाइड होता है, जैसे कि बीकॉम इन फिनटेक, बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस और बीकॉम इन फाइनेंस एंड बैंकिंग। गाइज, बीकॉम ऑनर्स कोर्स आपको फ्यूचर रेडी करता है, जो कि आपको एक बेस्ट कॉर्पोरेट लीडर बनाने में हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, सो वी हैव हिंदू कॉलेज, SRCC, सेंट जेवियर कोलकाता, IFIM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर एंड सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से भी आप ये कोर्स कर सकते हो। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमारे लिंक पे विजिट करें, विच इज www.collegedeco.com। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बी एन इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स का बेस्ट डिग्री माना जाता है। इस कोर्स का एलिजिबिलिटी है इको होनी चाहिए 12th में और मैथ्स होना चाहिए, एंड आपको जो स्कोर करना है वो ओनली करना है 50%, एंड आफ्टर दैट यू कैन अवेल दिस डिग्री। सो गाइज, इसके हैं टॉप कॉलेजेस लाइक सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली, मिरांडा कॉलेज दिल्ली एंड PSGR कॉलेज तमिलनाडु। गाइज, अब एक बेस्ट ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ और एक फेमस कोर्स बता रहा हूँ, सो सुनो, जो कि है BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी, आपके पास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश, और आपका 50% स्कोर होना चाहिए। BBA कोर्स आपका दूसरों से औसम बनाता है, सो BBA करो और लाइफ सेट है। BBA कोर्स आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड हो रहा है, जैसे कि BBA इन अप्लाइड HR, BBA इन डिजिटल मार्केटिंग और बेस्ट ऑप्शन BBA इन फिनटेक। ये कोर्स करने के बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए रेडी हो जाते हो और आपको जॉब इजिली ग्रैब हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि कौन से इसके टॉप कॉलेजेस हैं, सो वी हैव जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, नेम्स मुंबई, सिम्बियोसिस नोएडा एंड पुणे, इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और भी जानकारी चाहिए, सो मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करो, चेक करो या फिर कॉल करो इस नंबर पर। सो गाइज, अब हम बात करते हैं BCA की, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स की एलिजिबिलिटी है आपका क्लास 12 में सिर्फ 50% मार्क्स। BCA कोर्स आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड होता है, जैसे कि BCA इन ब्लॉकचेन, BCA इन UX, AIML और फुल स्टैक डेवलपमेंट। इन स्पेशलाइजेशन में कोर्स करने के बाद आपको मौका मिलता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स के साथ ट्रेनिंग करने का, जिससे कि आपका रिज्यूमे बिल्ट होता है और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनता है। इसके बारे में और भी जानकारी के लिए ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, सो जाओ चेक करो और इन्फॉर्मेशन लो। सो गाइज, अब बात करते हैं जो हर एक 11th और 12th स्टूडेंट, यानी आपने भी सोचा होगा ये कोर्स करने के लिए, जो कि है MBA। सो MBA यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, माना कि एक मास्टर डिग्री है, बट इसकी तैयारी आपको ग्रेजुएशन से कर देनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं, जैसे कि कैट, मैट, जेट, स्नैप, और इनकी तैयारी आपको अभी से कर देनी चाहिए। सो MBA आपको HR, मार्केटिंग या फाइनेंस में प्रोवाइड होता है, बट कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है, इजीली जॉब्स मिलती नहीं है, तो खुद को यूनिक बनाना है, खुद को स्पेशल बनाना है। सो आप MBA भी अब कर सकते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या MBA एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आपको जॉब रेडी बनाते हैं और इजीली जॉब आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो अब आप सोच रहे होगे कि ये कोर्स आपको कहाँ से करना चाहिए, राइट? सो आप MBA कर सकते हैं IIM, NIMS, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, यहाँ से आप MBA कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, सो ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जाइए विजिट करें, रजिस्टर करें अपने आप को, और आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके गाइज, अब लास्ट, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कुछ जानकारी ले लीजिएगा, जैसे कि कोर्स की एलिजिबिलिटी, फीस, क्या है उसका क्राइटेरिया है। सो ये सभी जानकारी आप लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कुछ भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, विच इज़ www.collegedekho.com, और कॉलेज देखो आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो डू विजिट आवर वेबसाइट और सब्सक्राइब आवर चैनल, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।